कोरोना महामारी के चलते विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों की घर वापसी शुरू हो गई है। लंदन में फंसे 149 प्रवासी फ्लाइट से जयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल चेकअप उनका किया गया और साथ ही प्रवासियों के लगेज को सैनिटाइज किया गया। उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु और राज कोविड-19 ऐप डाउनलोड करवाया गया और इसके बाद बसों में बैठाकर शहर में अलग अलग जगह संस्थागत जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं वहां उन्हें भेजा गया, जहां 14 दिन तक क्वारंटाइन उन्हें रखा जाएगा। आपको ये हम बता दें कि वंदे भारत मिशन के तहत अलग अलग देशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को 1 जून तक 14 फ्लाइटों से राजस्थान लाया जाएगा और इस दौरान जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा भी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। विदेश में फंसे प्रवासी राजस्थानियों की घर वापसी अब शुरू हो चुकी है। आज लंदन से पहली फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची है, जिसमें करीब 149 प्रवासी राजस्थानी यहां पर आए हैं और यहां से इनको क्वारंटाइन सेंटर पर भेजा जा रहा है। जैसे ही फ्लाइट यहां पर आई, पूरे प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और इनका जो बैग है, इनके जो लगेज है, उनको सैनिटाइज किया गया और उसके बाद इनका चेकअप किया गया और पूरी तरह से उसके बाद बसों में बिठाकर पूरी बसों की व्यवस्था की गई है और बसों में बिठाकर इनको क्वारंटाइन सेंटर में भिजवाया जा रहा है। शहर की अलग अलग होटलों में इनकी व्यवस्था की गई, इनका क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जहां पर इनको पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले जैसे ही ये यहां पर पहुंचे, पहले इनका पूरा चेकअप किया गया, थर्मल स्क्रीनिंग की गई और इनका जो लगेज है उसको सैनिटाइज किया गया। उसके बाद में जितने भी ये प्रवासी हैं, इनके मोबाइल के अंदर जो आरोग्य सेतु ऐप है, राज कोविड ऐप है, वो डाउनलोड करवाया गया ताकि इनकी जो जानकारी है वो मिलती रहे। हम आपको बताते हैं कि जो वंदे मातरम मिशन है उसके तहत 14 फ्लाइट के माध्यम से करीब 2000 राजस्थान प्रवासियों की वापसी होनी है, उसको लेकर आज ये पहली फ्लाइट लंदन से आई है। उसके बाद में 1 जून तक 13 फ्लाइट और आनी है, उनके माध्यम से पूरे प्रवासियों की यहाँ पर घर वापसी होगी। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जो भी प्रवासी विदेश से ये आ रहे हैं उनका पूरा खर्चा केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत इन यात्रियों को उठाना होगा और जो क्वारंटाइन का खर्चा है वो सब इनकी जिम्मेदारी है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में कुछ परिजन भी यहाँ पर आए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इनको आगाह किया गया था कि कोई भी परिजन नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी अपने लोगों से मिलने, अपने घर वालों से मिलने, अपने बच्चों से मिलने यहाँ पर परिजन भी पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं नजारा किस प्रकार से यहाँ पर बसें लगाई गई है। इन बसों के माध्यम से जो अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं वहां पर इनको पहुंचाया जा रहा है। पूरी प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो और उसी के अनुरूप आज यहाँ पर पहली फ्लाइट आई है। जो भी प्रवासी यहाँ पर पहुंचे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन विजयनाथ मिश्रा के साथ पिंटू सिंह मेरे का एनटीवी जयपुर।